नमस्कार छात्र छात्राओं, प्रतिवर्ष भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। अब जैसे छात्र छात्राओं, आपको पता है कि हमारा जो राज्य है उसका लगभग आधा भाग, 60% जो भाग है वो मरुस्थल के अंदर आता है, अर्ध मरुस्थलीय दशाओं के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में रेतीली मिट्टी की राजस्थान में अधिकता है। वह मिट्टी जिसमें बारीक पत्थर का चूरा होता है, परंतु उसके अंदर महीन कणों की और जीवाश्मों की कमी पाई जाती है, इस प्रकार की मिट्टी की अधिकता मिलती है। अगर हम राजस्थान की मिट्टी को वर्गीकृत करें या राजस्थान की मिट्टी का अगर हम अध्ययन करें, तो यहाँ पर हमें कांप कछारी मिट्टी की कमी देखने को मिलती है और रेतीली मिट्टी की पूर्ण रूप से आप अधिकता कह सकते हैं देखने को मिलती है। और उसमें बालू का जो प्रतिशत है, सामान्यतः जो बालू का प्रतिशत है वो पश्चिमी राजस्थान में 90 से 95% ही आपको बालू मिलेगी और सिर्फ 5 से 7% ही उसके अंदर मिट्टी मटियार जिसे कहते हैं हम, जो चिकना और नरम पार्ट होता है मिट्टी का, वो सिर्फ 5-7% है, बाकी सारा जो पार्ट है वो रेत का ही मिलता है। अधिकतर राजस्थान में जो मिट्टी है वो स्थानीय है, यानी बाहर से आई हुई मिट्टी नहीं है, क्योंकि अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तृत नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की मिट्टियों में सबसे प्रमुख और बड़े क्षेत्रों में फैली हुई जो मिट्टी है वो है रेतीली मिट्टी। अब जो रेतीली मिट्टी है वो राजस्थान के पश्चिम में, अगर आप शुरू ऊपर से करेंगे तो गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों के अंदर, नीचे से आप देखें तो नागौर, पाली, जालौर और इसके साथ ही आपको बाड़मेर, इन सभी जिलों के अंदर आपको रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। अब रेतीली मिट्टी सभी जगह एक समान नहीं है, मतलब तो सारी रेतीली मिट्टी एक जैसी नहीं है, उसमें भी कई सारा श्रेणीकरण है। अब रेतीली बालू मिट्टी के अंदर किसी का रंग लाल है, किसी का पीला है, भूरा है, ऐसे 2-3 रंगों में आपको रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। खासकर नागौर और पाली में मिलने वाली पीली भूरी मतलब थोड़ा भूरा और थोड़ा पीला रंग जिसमें मिक्स होता है, वह खास करके उर्वरक मिट्टी मानी जाती है, जिसे स्टेपी मिट्टी भी कहा जाता है, और पानी मिलने पर यह कृषि के लिए बहुत ही उत्तम मिट्टी साबित होती है। रेतीली मिट्टी की खास बात यह है कि उसके अंदर हवा का सांद्रण बहुत अच्छे से हो पाता है, क्योंकि उसके कण दूर दूर होते हैं, तो उसमें हवा बहुत आसानी से पहुंच जाती है, और अगर पानी मिलता है तो पौधों को पनपने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है, यानी जड़ें फैलने के लिए जगह बहुत आसानी से मिल जाती है, और हवा मिलने की वजह से पेड़ अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं। उसकी कमी क्या है? उसकी कमी सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो उसमें लोमी पदार्थ यानी चीका पदार्थ नहीं होता, वो अपने अंदर पानी धारण करने की क्षमता नहीं रखती है, यानी पानी बहुत जल्दी इसमें से निकल जाता है, या तो नीचे सीपेज हो जाता है या इवोपरेट हो जाता है, तो अपने अंदर पानी धारण करने की क्षमता न होने की वजह से इसे बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी सूख जाती है। और क्योंकि जलवायु भी वहाँ की शुष्क है, गर्मी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी पानी, जो मिट्टी का पानी है वो जल्दी से उड़ जाता है। अब कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर मिट्टी में लवणता की मात्रा, यानी जो रेत है उसके अंदर लवणों की मात्रा ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जहाँ रेत में लवणों की मात्रा ज़्यादा है, अगर अधिक पानी दिया जाए, आर्टिफिशियल तरीके से सिंचाई की जाए और बार बार ऐसी मिट्टी को पानी दिया जाए, तो उसमें समस्या ये होती है कि जब लवण वाली मिट्टी को आप पानी देंगे तो लवण उस पानी के साथ घुल जाएंगे, और जब वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण में नीचे से जो मिट्टी का पानी है पुनः से ऊपर आता है, हवा के गर्मी की वजह से वो ऊपर की तरफ भाप बन के उड़ता है, तो जब वो पानी ऊपर भाप बन के उड़ता है उस समय वो अपने साथ लाए हुए लवण या घुले हुए लवणों को मिट्टी की ऊपरी सतह पर छोड़कर वाष्पीकृत हो जाता है, तो पानी तो समाप्त हो जाता है, परंतु उसने जो मिट्टी के साथ जो लवण घोले थे, मिट्टी के जो लवण और नीचे से वो लेकर आया था, घोल कर अपने साथ लेकर आया था, उसकी एक पतली सी परत उस मिट्टी के ऊपर बिछ जाती है, तो जिससे मिट्टी खारी हो जाती है और फिर वो कृषि योग्य नहीं रहती। ऐसी मिट्टी को रेह कहते हैं, यानी वह किसी काम की नहीं रह जाती है। तो ये समस्या आपको पश्चिमी रेतीली मिट्टी के साथ खासकर देखनी पड़ेगी। रेतीली मिट्टियों में सभी मिट्टियाँ खारी नहीं होती हैं, खासकर जो निम्न भूमियाँ हैं, जो दबाव क्षेत्र हैं, जहाँ खारे पानी की झीलें बनी हैं, वहीं की मिट्टी अधिक खारी है, क्योंकि दबाव की जगह पर आसपास से जो पानी है वो, जो भी सामान्यतः जो बरसात होती है वो पानी वहाँ आकर जमा होता है, ऐसी स्थिति में वो जिन जगहों से होकर आता है वहाँ के लवण भी अपने साथ बाहर आता है,
और फिर क्योंकि वहां जो डिप्रेशंस बने हुए हैं उन डिप्रेशंस का कहीं आउटलेट नहीं है, सिर्फ इनलेट है, यानी पानी अंदर आता है, बाहर जाने की कोई जगह नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा पानी नहीं इकट्ठा होता कि वो ओवरफ्लो होकर के किसी नदी का रूप ले ले। तो ऐसी स्थिति में पानी लगातार उन्हीं खड्डों में जमा होता रहता है और वाष्पीकृत होता रहता है, और लंबे समय तक उसमें इस तरह की प्रक्रिया होते रहने से वहाँ खारापन बढ़ता जाता है। तो खारे पानी की झीलें भी इन्हीं कारणों से बनती है, और उसके आसपास की मिट्टी काफी खारी होती है जो वनस्पति उगने के लिए पूर्ण रूप से अनुपयुक्त है। तो इस तरह से कई प्रकार की खारी मिट्टी, रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है, जिसका रंग हल्की सुनहरी, भूरा, पीला, अलग अलग प्रकार का होता है, और स्थानीय रूप से उसके गुण और गुण भी बदलते रहते हैं। स्थानीय मिट्टी में जिस प्रकार के चट्टानों में रसायन होते हैं, वो रसायन उन मिट्टियों में भी पाए जाते हैं। कटाव की समस्या या क्षरण की समस्या भी रेतीली मिट्टियों में बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद नंबर आता है लाल पीली मिट्टी का। लाल पीली मिट्टी जो राजस्थान में मिलती है वो सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और अजमेर, ये एक पट्टी है जिसके अंदर आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। यह लाल पीली मिट्टी का जो लालपन है, इसकी जो रेडनेस है, वो लो ऑक्साइड की वजह से होती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर पैतृक चट्टानों के अंदर लोह तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी के अंदर लाल रंग आ जाता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। अब लाल पीली मिट्टी भी सभी और एक प्रकार से नहीं है। रंग का जो शेड है, लाल पीला जो रंग है, उसके शेड में डिफरेंस आता रहता है, और वह भी छिछली और गहरी अलग अलग होती है। अगर ढालों पर है तो वह छिछली है, पतली परत वाली है, और अगर पश्चिमी की तरफ तो खिसकती हुई लाल पीली मिट्टी, उसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है, पूर्व की तरफ होगी तो उसमें चीका ज्यादा होगी, और खासकर इसके अंदर आपको जीवाश्मों की कुछ मात्रा देखने को मिल जाती है, जो पश्चिमी भारत में देख राजस्थान में देखने को नहीं मिलती। अब इसके अंदर इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कैल्शियम की कमी पाई जाती है, और इसमें कंकड़ की जो मोटाई है वो ढाल के अनुसार बदलती रहती है। अगर ऊंचे ढालों पर जो मिट्टी है उसमें कंकड़ ज्यादा होंगे, निचले ढालों पर उसमें कंकड़ कम होंगे। तो ये उस प्रकार से आपको लाल पीली मिट्टी मिलती है। एक विशेष मिट्टी जो मिलती है वह है लाल लोमी मिट्टी, जो कि डूंगरपुर और उदयपुर में खास करके देखने को मिलती है। यह अलग अलग उर्वरा शक्ति की मिट्टियां होती है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि राजस्थान का ढाल असमतल है, और यहाँ पर एक ही समान की मिट्टी नहीं मिलती है, कहीं मोटी कहीं पतली। जो निचले भाग हैं जहाँ पानी का दबाव बनता है वहां पर बारीक कणों वाली, और जहाँ ढाल और ढलवा क्षेत्र है वहाँ मोटे कणों वाली मिट्टी मिलती है। तो इसके अंदर वही प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है, मल्लोह कणों की अधिकता पाई जाती है, और यह मिट्टी अगर अब बारीक और गहरी होती है तो उर्वरक है, वरना ज्यादातर मिट्टी के अंदर हम मक्का की फसल ही बो पाते हैं। इसके साथ ही जो पश्चिम पूर्वी राजस्थान का भाग है, पूर्वी राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर का जो पूर्वी भाग है, चित्तौड़गढ़ है, मालवा का पठारी जो क्षेत्र है, उसमें लाल काली मिट्टी मिक्स मिलती है, कहीं लाल कहीं काली का शेड, दोनों शेड मिलते हैं, और इस मिट्टी के अंदर भी चीका की मात्रा ज्यादा होती है। जो हमारी पश्चिम की मिट्टियां है उससे आप पश्चिम से जब पूर्व में आएंगे तो धीरे धीरे चीका की मात्रा बढ़ती जाएगी और रेत की मात्रा कम होती जाएगी। जैसे आप पूर्वोत्तर जाते जाएंगे चीका बढ़ती जाएगी और रेत कम होती जाएगी, तो इसमें चीका की मात्रा ज्यादा है। इसमें आपको जो कमियां हैं, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ह्यूमस, ये तो सारे राजस्थान में आपको ये कमी देखने को मिलेगी, परंतु इसके अंदर चूने की मात्रा पाई जाती है, और कुछ खाद देने के बाद इसमें कपास और मक्का की फसलें प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद बारी आती है अंत में काली मिट्टी की। काली मिट्टी पूर्वी जो आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसमें आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, और यह काली मिट्टी मालवा वाली मिट्टी है, यानी मालवा जो अग्नि आपकी लावा चट्टानों से जो मिट्टी क्षरण करके बनती है वह प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है, और उसमें चीकापन ज्यादा होता है, और जैसा कि काली मिट्टी की खासियत है वो सूखी होने पर तड़क जाती है और गीली होने पर चिकनी हो जाती है। ये पानी को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा रखती है, परंतु सूख जाने के ऊपर इसमें हल चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये खास मिट्टियां हैं। बहुत ही कम और सीमित क्षेत्रों में कछारी मिट्टी देखने को मिलती है। भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर में जो निचले भाग है उनके अंदर आपको कछारी मिट्टी, कछारी का मतलब है हमारे पास कि जिसके अंदर नदियां जो लाके जो पीछे मिट्टी बिछाती है उसको हम कछारी मिट्टी कहते हैं, और इसका रंग पीला और लाल होता है, और इसकी जो उर्वरकता है वो इसकी गहराई पर निर्भर करती है, जितनी गहरी होगी उतनी ज्यादा उर्वरक होगी। पानी की उपलब्धता पर इस पर अच्छे से खेती की जा सकती है।
तो इस तरह से कई सारी मिट्टियां हैं। कछारी मिट्टी में भी रेत की मात्रा अलग अलग होती है, कहीं कछारी मिट्टी में रेत ज्यादा है, कहीं कछारी मिट्टी में रेत की मात्रा कम है। तो इस तरह से राजस्थान की मिट्टियों को हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग मात्रा में मिट्टियां उर्वरकता के साथ मिलती है। हालांकि राजस्थान में बहुत उर्वरक मिट्टियां नहीं मिलती है, उनमें जो सामान्य उर्वरक तत्व है उनकी कमी पाई जाती है, और पश्चिमी राजस्थान में कृषि योग्य मिट्टी है परंतु पानी की कमी देखने को मिलती है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है।